सपनों में भी नहीं सोचा था। और मुझे याद है कि एक ही इंसान थे, मिस्टर इंद्र कुमार, जो बिगिनिंग से कह रहे थे, शूटिंग से कह रहे थे कि ये पिक्चर 100 क्रॉस करेगी। और हम लोग कभी मानने को तैयार ही नहीं थे। हम लोग हंसते थे, बोलते थे सर इससे पहले कि रिकॉर्ड जो है वो दिल्ली बेली है 54 करोड़ पे। एडल्ट फिल्म का एक दायरा होता है, बड़ी डिस्कशंस होती थी सेट पर। इंदू जी बोलते थे मुझे कुछ नहीं सुनना है, कोई एनालिसिस नहीं सुनना है, मुझे पता है मेरे दिल में कि ये फिल्म 100 करोड़ करेगी। एंड हैट्स ऑफ टू हिम, ऑल द क्रेडिट गोज टू हिम एंड टू द एंटायर टीम फॉर ग्रैंड मस्ती दैट वी हैव डन इट। इतना अच्छा रिस्पांस मिलेगा ये तो नहीं सोचा था, पर ये ज़रूर सोचा था जब पार्ट टू बनाते हैं तो ये सोच के बनाते हैं कि पार्ट वन पसंद आई इसलिए शायद एक सीक्वल बनता है, सीक्वल बनने के बाद ये सोचते कि शायद ये सीक्वल लोगों को पसंद आए। इनफैक्ट ये मेरा चौथा सीक्वल है एंड आई एम ग्लैड कि चारों चले हैं एंड आई एम हैप्पी टू बी पार्ट ऑफ ग्रैंड मस्ती। नहीं, हम लोगों ने फ्रेंकली एक्सपेक्ट नहीं किया था। हम लोग हमेशा बहुत मॉडस्टली हम लोगों ने शूट की थी और उम्मीद की थी और आशा की थी कि फिल्म सक्सेस हो, लेकिन इतनी बड़ी सक्सेस वो हमें उम्मीद नहीं थी। सलमान, अक्षय, आमिर की होती है, लेकिन रितेश की पहली बार हुई है, विवेक की पहली बार हुई है, आफ्ताब की पहली बार हुई है, मेरी पहली बार हुई है, तो किसी की भी हुई आई डोंट केयर, मेरी हुई है, मैं खुश हूँ। लविंग द सक्सेस, क्योंकि जो भी एक्टर या एक्ट्रेस एक्ट्रेस होती है उनको अगर 100 करोड़ के क्लब में डाल दो और वो हिट हो जाए फिल्म तो बहुत ही अच्छी फीलिंग होती है, बहुत ही प्राउड फीलिंग होती है। तो मैं बहुत ही खुश नसीब हूँ कि मेरी जो फिल्म ग्रैंड मस्ती है वो सुपर हिट हो गई है और हम एक 100 करोड़ क्लब में आ गए हैं। बिल्कुल, ग्रैंड मस्ती जो पहले से ही ग्रैंड थी अब बहुत ज़्यादा ग्रैंड हो गई है और इस ग्रैंड टोटल के लिए, ग्रैंड सक्सेस के लिए मैं सारे ऑडियंसेस का बहुत बहुत थैंक यू करना चाहूँगी, बिकॉज आप सबकी वजह से फिल्म 100 करोड़ में पहुँची है। इफ़ यू स्पीचलेस बिकॉज आई रियली, इट्स नॉट दैट आई डिडंट बिलीव इट, बट 100 करोड़ इज अ ह्यूज मार्क टू रीच, बी पार्ट ऑफ ग्रैंड मस्ती, द एंटायर टीम, माई प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, एवरीवन, आई लव देम, थैंक यू सो मच द ऑडियंस, आई फील ग्रेट, आई एम सुपर हैप्पी। मुझे डे वन से मालूम था कि ग्रैंड मस्ती 100 करोड़ का बिजनेस करेगी। आई डोंट नो मुझे कैसे उम्मीद थी, बट उम्मीद थी एंड डेफिनेटली इट्स माई फर्स्ट फिल्म, इट्स माई डेब्यू, सो आई एम वेरी वेरी हैप्पी।